ये सरकार नमस्कार माहौल जबोदा शानदार आई होप सर इंटरमीडिएट लेवल पर सर आपको ये अभी सबसे पहले समझ में आ रहा है कि टैक्सेशन क्या होता है गवर्नमेंट क्या होता है लॉज कैसे बनते हैं कैसे अमेंड होते हैं पार्लियामेंट क्या होता है सर और सर हु इज द गवर्नमेंट वी आर द गवर्नमेंट तो मालिक आइए शुरू करते हम अगली वाली बात सर हमने कल पढ़ा था क्या कि सरकार आखिर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है टैक्स क्या होता है गवर्नमेंट कौन होता है साहब डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर है गवर्नमेंट पावर्स अमेंडमेंट किस तरह से होते हैं डेलीगेटेड पावर्स क्या होते हैं बच्चों ये सारी बातें हमने कल करी थी आइए बच्चों सर मैंने आपको बताया था सिंस गवर्नमेंट कौन हम तो सारे सारे कानून जो बने 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 हुए हुए जितने जितने भी बने जितने भी एक्ट लॉज वो लॉजिकल है एंड एवरी इज लॉजिकल हर एक के पीछे रीजन होता है सर और वो जो लॉजिक होता है वो बहुत ही सही लॉजिक होता है सरकार बस पॉइंट क्या है हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आखिर ये प्रोविजन किस तरह से बने जरूर मैंने एग्जांपल दिया आपको जिस तरह से सरकार, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सर इंटरेस्ट वाला कि सर अगर अससी टैक्स पे करने में लेट होता तो कैसे इंटरेस्ट लगता है और अगर गवर्नमेंट लेट होती है तो किस तरह से इंटरेस्ट कितना मिलता है एक लॉजिक समझाने की कोशिश करी कि सर हमको आगे जो बढ़ना है जो हमको आगे सिलेबस पढ़ना है जीएसटी का वो पूरा लॉजिकल पढ़ना है एवरी पॉइंट इज लॉजिकल ओके तो सरकार शुरू करते हैं हम सब्जेक्ट का कंटेंट तो सरकार लेके प्रभु का नाम शुरू कर रहे हो हमारा जीएसटी वाला काम जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट ये सर सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड याद आप अभी सर कॉमन सेंस समझे जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल कब से हुआ फर्स्ट ऑफ जुलाई 2017 से इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई था तो वो था जीएसटी सरकार आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर किसी को कहा जाता है तो वो टैक्सेशन लॉ के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी है जो जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ हिंदुस्तान के अंदर पर सवाल आता है क्या सर अभी बोलने में में बहुत अच्छा लगा सुनने में बहुत अच्छा लगा कि आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई था टैक्सेशन में तो वो था जीएसटी सुनने में बड़ा अच्छा लगा पर आखिर ऐसा क्या हुआ आखिर ऐसी क्या तकलीफ थी पुराने लोज में जो जीएसटी लाना पड़ा सर कौन कौन से टैक्सेस थे जो मिक्स हुए जो सब्स्यूम हुए जीएसटी के अंदर और सर किन किन टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी बनाया गया जीएसटी क्यों बनाया गया कैसे बनाया गया सर क्या तकलीफ थी वो अगर हमको समझ में आएगी तो जीएसटी समझने में हमें, हमें बहुत आसानी हो जाएगी तो सरकार हम अभी पहले थोड़ी देर ये बात करेंगे कि आखिर जीएसटी आने से पहले क्या था क्लियर जब आपको ये समझ में आएगा कि जीएसटी आने से पहले क्या था क्या तकलीफ थी क्या सिस्टम था और क्यों जीएसटी आया तो सर जैसे ही आपको ये समझ में आएगा तो तो जब हम जीएसटी पढ़ना शुरू करेंगे तो सिस्टम आपके यहां ऑलरेडी ऑलरेडी आपके यहां पे फिट होगा और उसके बाद आप जब जीएसटी शुरू करेंगे तो माहौल ही अलग होगा नेक्स्ट लेवल पे आपकी बातें जाएगी तो सरकार शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से कि आखिर जब जीएसटी नहीं था तब क्या था पहले वो समझते बेटा सो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी सर पहले सेंट्रल एक्साइज हुआ करता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी लगता था ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सिंस इसका नाम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्यों रखा क्योंकि ये रेवेन्यू किसका है सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ करता था मैं तुम्हें बताता हूं बेटा अब बिफोर जीएसटी क्या था बिल्कुल शुरुआत से हम शुरू करते हैं बात को सर बिफोर जीएसटी अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं मैंने कोई गुड्स बनाई है मैंने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करी है तो मैन्युफैक्चर करके जब मैं गुड्स बेचूंगा मैं अपनी फैक्ट्री से जब रिमूव करूंगा तो सबसे पहले मुझे एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ेगा <coughs> कौन सा ड्यूटी बेटा एक्साइज ड्यूटी याद देखिए सर सर इफ आई एम अक्चर क्लियर तो अगर मैं कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मैन्युफैक्चर करने में क्या लगता था बेटा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी क्लियर अगर मैं कोई गुड्स बेच रहा हूं सेल ऑफ गुड्स सर सेल ऑफ गुड्स पे क्या लगता था सेल्स टैक्स क्या लगता था बड़ा सेल्स टैक्स क्लियर सेल्स टैक्स को बोलते थे क्या वेट और सी एस टी वेट था सर इंट्रा स्टेट सेल करने पर इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स पर वेट लगता था और इंटर स्टेट सेल करने पर सीएसटी लगता था सीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल सेल्स टैक्स और वेट का फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स सरकार सुनना बात को ध्यान से विद इन द स्टेट अगर आपने बेचा है मैं अगर महाराष्ट्र में हूं और महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में मैंने गुड्स बेचा है तो लगता था वेट वैल्यू एडेड टैक्स मैं लिख देता हूं आपको फुल फॉर्म यहां पे वेट का फुल फॉर्म क्या बेटा वैल्यू एडेड टैक्स सी एस टी का फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल सेल्स टैक्स क्लियर सर मैंने प्रेजन लिया आपको कुछ भी नहीं है तो हम पहली बार बात कर रहे हैं सब कुछ चीजें आपको सीखनी है बेटा जितनी जड़ें मजबूत होगी उतनी शानदार वाली बिल्डिंग आपकी बनेगी सर ओके ध्यान देना बेटा सरकार ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वॉज चार्ज एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये रेवेन्यू किसका था बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर सेल्स टैक्स जो लगता था बेटा सर उसमें वेट जो रेवेन्यू था सरकार वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सीएसटी अगेन वॉज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो कलेक्ट एक बार स्टेट गवर्नमेंट करता था बेटा ठीक है हमको बहुत ज्यादा टेक्निकल डीज में नहीं जाना अभी मैं आपको सिस्टम का और भी दे रहा हूं सो so दैट आपको सिस्टम समझना है जीएसटी समझने के लिए ओके okay? और ये सब बातें ध्यान रखिएगा बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द दी ऑफ जीएसटी ओके मालिक सर अगर गुड्स आप मैन्युफैक्चर करते थे तो क्या लगता था बेटा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी विच इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और गुड्स को बेचने पर लगता था सेल्स टैक्स विद इन द स्टेट बेचा है तो वेट लगता था विच वॉज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और इंटर स्टेट बेचने पर लगता था क्या सी एस टी विच इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर सेंट्रल सेल्स टैक्स क्लियर सर अब बात को समझना अगर मैं सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं क्या सप्लाई कर रहा हूं बेटा मैं सर्विसेज फाय सर्विस सप्लायर तो सर्विसेस पर लगता था क्या बेटा सर्विस टैक्स क्लियर और सर्विस टैक्स वॉज अगेन द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर सर्विस टैक्स द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये मैंने आपको तीन टैक्सेस के बारे में बताया ये मेजर वो तीन टैक्सेस थे जो बिफोर जीएसटी लगते थे ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड ऑन सर्विसेज सप्लाइड क्लियर सर अब बात को समझने की कोशिश करना सर अगर अगर मैं कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो क्या लगेगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अगर मैं कोई गुड्स बेचूंगा तो क्या लगेगा वेट सेल्स टैक्स और अगर मैं कोई गुड्स अगर मैं कोई सर्विस से सप्लाई करूंगा तो क्या लगेगा सर्विस टैक्स चलिए सरकार अब बात को आगे बढ़ाते हैं सर्विस टैक्स वॉज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज वॉज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट सर वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सी एस टी वॉज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओके बच्चा सरकार अब शुरू करते हैं बात को मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर और मैं क्या बनाता हूं बेटा ये मार्कर्स सर ऑफ एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर्स क्या बेटा मंगल और सर सुनिए बात को ध्यान से मेरा पॉइंट आपसे ये कि अगर मैं मार्कर्स बनाता हूं आई मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर्स ब्रांड नेम मंगल्स अब मार्कर बना के मैं क्या करूंगा बेचूंगा बेटा मार्कर बना के बेचने में क्या लगेगा बेटा एक्साइज अब सुनना बात ध्यान से सर ये यह सिंस मार्केट बना रहा है मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए क्या लगेगा एक्साइज ड्यूटी लगेगा प्लस ये बेच भी तो रहा है सेल ऑफ गुड्स भी तो कर रहा है इसलिए मैन्युफैक्चर पर सेल्स टैक्स भी लगता था वेट भी लगता था बेटा मतलब मैन्युफैक्चर पर दो टैक्स थे एक्साइज भी था और वेट भी था क्लियर एक, अब मैं सीएसटी नहीं बोलूंगा ठीक है सर वेट बोल दूंगा सब ध्यान नहीं इंटर सेल करोगे तो सीस्ट लगेगा सेल करोगे तो वेट लगेगा ठीक है मैं वेट सर को ध्यान से अगर मैं <coughs> सर मैन्युफैक्चरर हूं तो मैन्युफैक्चर करने पर मेरे को एक्साइज भी लग रहा है और गुड सेंस में बेचूंगा भी इसलिए वेट भी लगेगा मतलब मैन्युफैक्चरर पे दो टैक्स हुआ करते थे एक तो एक्साइज और एक वेट एक्साइज क्यों मैन्युफैक्चर किया इसलिए और वेट क्यों सेल किया इसलिए तो सरकार सिस्टम क्या हुआ करता था समझना बात को ध्यान से सर धीरे धीरे सिस्टम समझ में आएगा तो मजा आ जाएगा जीवन के अंदर और जैसे ही सिस्टम समझ में आया सर जीएसटी बहुत अच्छे से ग्रिप में आएगा आपके अब सर मैं बिफोर जीएसटी बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एक्साइज होता था उसमें सिस्टम कैसे चलता था वो समझना ध्यान से सपोज आई एम अन्युफैक्चरर ओके साहब मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूं बच्चों आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स ओके मालिक अब जो मैंने गुड्स बनाया है जब मैं उन गुड्स को बेचूंगा सर तब क्या सिचुएशन होता था समझना कोशिश को आ, समझना चीज को ध्यान से सर मैं अभी जो एग्जाम्पल ले रहा हूं उस एग्जाम्पल में मैं मैं ले रहा रहा कि केवल केवल और केवल पे कर साहब अभी मान लो सेल्स टैक्स है ही नहीं सर ठीक है धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ते हैं अभी एक्साइज है ही नहीं साहब ओके अब सर क्या होता था अगर मैंने ये मार्कर बनाया है आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर्स ब्रांड नेम मंगल्स सरकार अगर मार्कर मैंने बनाया है तो मार्कर बनाने पर एक्सरसाइज लगी है बेटा अब मार्केट बनाने के लिए मैंने इनपुट परचेज किया होगा ये प्लास्टिक से बनता है मार्कर सर कॉटन किया होगा इंक किया होगा पचास तरह के इनपुट और दूसरे भी काम आते हैं वो सब मैंने परचेज होंगे क्लियर तो जब मैंने इनपुट परचेज होंगे उन इनपुट्स को जिससे मैंने परचेस किया होगा उस इनपुट को भी किसने बनाया होगा बेटा मान लो मैंने डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ही इनपुट परचेज किया से परचेस किया बेटा मैन्युफैक्चरर से ही इनपुट अब से जब मैंने इनपुट परचेस होंगे मान लो प्लास्टिक था बेटा वो प्लास्टिक मैंने प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरर से परचेज किया जब वो प्लास्टिक उसने मुझे बेचा होगा अगेन उसने भी क्या लगाया होगा एक्साइज लगाया होगा बेटा रहा है ना दिल थाम के देखना सर मजा आएगा सर आपको तो मैंने इनपुट्स परचेज किए सर सपोज रुपीज हंड्रेड में मैंने इनपुट परचेज किए सर उस इनपुट को जिससे मैंने परचेज किया वो खुद भी एक मैन्युफैक्चरर था उसने जब इनपुट मैन्युफैक्चर करके मेरे को बेचा होगा उसने क्या लगाया होगा सर उसने भी तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाया होगा बेटा टेन परसेंट वॉज द रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी सर हंड्रेड रुपी पर टेन परसेंट अगर एक्साइज लगता है तो कितना लगता है टेन रुपी टोटल हो गया कितना हंड्रेड एंड टेन ये उसने मेरे को इनवॉइस बनाया होगा ये बिल बना के मेरे को उसने दिया होगा मैंने हंड्रेड एंड टेन में गुड्स किया है जिसमें टेन रुपी क्या है एक्साइज ड्यूटी बेटा टेन रुपी क्या है आराम समझना? मस्त समझना? सर। तो सर, से समझना अच्छा मैं बात करूं क्या? अभी सेल्स से टैक्स या वेट है ही नहीं ठीक है सर वो उसको नेक्स्ट स्टेप लेके आएंगे दस मिनट समझना मजा आ जाएगा जीवन में सर सर, फंडा हम पढ़ने वाले जो पूरे जीएसटी में आपको काम आएगा तो ये मत समझना कि सर तो अभी एक्साइज की बात कर रहे हैं जीएसटी में क्या काम का है अभी तो जीएसटी ही एप्लीकेबल है भाई साहब फंडामेंटल एप्सुलटली सेम सर चीजों को समझ लिया तो आपने ओके सरकार अब मैंने अगर हंड्रेड में इनपुट परचेज किया उस पर सिंस वो सप्लायर मैन्युफैक्चरर था वो इंडरेक्ट टैक्स सर एक्साइज सर उसने क्या किया होगा उस इनपुट को मैंने परचेज किया मैं उसका कस्टमर हूं उसने मेरे से ंड्रेड रुपी प्लस टेन परसेंट एक्साइज टेन रुपी हंड्रेड एंड टेन का इनवेस्ट बना होगा उसने मेरे हंड्रेड टेन लिया टेन क्या था टैक्स है एक्साइज ड्यूटी विच इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर उस सप्लायर ने उस मैन्युफैक्चरर ने मेरे से हंड्रेड एंड टेन लेके टेन रुपी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया होगा हंड्रेड रुपी उसका रेवेन्यू है बेटा उसमें उसका कॉस्ट आया होगा उसका प्रॉफिट है जो भी है सर वो उसका 100 रुपी। क्लियर ओके अब मैंने इनपुट परचेस कर लिया कितने में बचा हंड्रेड टेन में ओके सर मेरी कॉस्ट कितनी बेटा 110. ओके मालिक सर जल्दी मत करना आराम से समझना स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे मेरी कॉस्ट कितनी है 110. अब सर मैंने भी तो अपना मार्कर बनाया है बेटा अब मार्कर बनाने के लिए मैंने कई सारे अदर एक्सपेंसेस भी इंकर के होंगे फैक्ट्री ओवरहेड हुए होंगे मार्केटिंग एक्सपेंस लगे होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लगे होंगे सर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लगे होंगे मेरा अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा होगा ये सब खर्चे में जोड़ूंगा ना यार तो मेरे 110 के इनपुट्स थे बाकी सब कॉस्टिंग आई प्लस मेरा प्रॉफिट मार्जिन आया क्लियर ये ये सब क्या है ये सब मेरे बाकी के दूसरे खर्चे हैं प्लस मेरा प्रॉफिट मार्जिन है इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन क्या बोलते हैं मालिक वैल्यू एडिशन मैंने इस प्लास्टिक में वैल्यू एडिशन किया बहुत सारे खर्चे किए बहुत सारे सर एक्सपेंसेस ऐड किए मेरा अपना मार्जिन ऐड किया ये आ गया क्या 150 ये क्या बन गया बच्चों ये सब खर्चे ऐड किए सर और मेरा प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और मैंने गुड्स बना दिया क्या मार्कर ये मेरा आउटपुट गुड्स आ गया आउटपुट गुड्स बन गया 150 में अब सिंस आउटपुट गुड्स मैंने बनाया है मैन्युफैक्चर किया है जब इसको बेचूंगा अगेन क्या लगेगा एक्साइज ड्यूटी लगेगा सिंस मैंने मैन्युफैक्चर किया है क्लियर एक्साइज की रेट है सपोज 10 परसेंट होता है कितना 15 सेल प्राइस का 10 परसेंट कितना हो गया 150 का 10 परसेंट टोटल हो गया वन 5 सर इनडायरेक्ट टैक्स है मैंने कस्टमर को बिल बनाया होगा 165 का मैंने कस्टमर से 165 लिया होगा और उसमें से 165 जो लिया, उस से लिया उसमें से रुपी क्या है बेटा एक्साइज का अमाउंट है ये एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया रिमेनिंग मेरा 150 मेरे पास रह गया भारत माता की जय अल्टीमेटली कस्टमर को गुड्स मिला कितने में, में बेटा 165 क्लियर डन अब मेरी बात को धीरे से प्यार से मोहब्बत से और सर दिल थाम के सुनेगा सरकार आप मुझे बताओ अल्टीमेटली जो मार्केट बनके मेरे कस्टमर के पास गया मान लो कस्टमर एंड कंज्यूमर था मान लो उसको ये मार्केट कितने में पड़ा 165 में पड़ा आप सर सर समझ के देखना सर अगर मान लो हिंदुस्तान में किसी भी गुड्स पे कोई एक्साइज नहीं होता हिंदुस्तान में किसी भी गुड्स पर कोई एक्साइज ड्यूटी अगर नहीं होता तो बताइए यही मार्कर मैं कितने में बेचता ध्यान <coughs> से देखो टेन रुपी एक्साइज आपने यहां पे किया फिफ्टीन रुपी एक्साइज आपने यहां पे किया मतलब इस वन सिक्सटी फाइव में टोटल आपने ट्वेंटी फाइव रुपी एक्साइज पे किया बेटा इस 165 में से टोटल 25 इस डी एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट टेन रुपये गवर्नमेंट को पे कर दिया मतलब सोचिए अगर किसी भी गुड्स पर इन, इंडिया में कोई एक्साइज नहीं होता तो वैल्यू ऑफ गुड्स जो वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स होता विदाउट एक्साइज विदाउट एक्साइज ड्यूटी कितना होता मेरे मालिक सर 140 ही होता हा है ना बेटा सर कैसे 140 फोर्टी हंड्रेड इनपुट का कॉस्ट फोर्टी रुपये आपने बाकी खर्चे प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया टोटल 140 में आपका मार्कर बन जाता मतलब अगर किसी भी गुड्स पे कोई एक्साइज नहीं लगता तो वैल्यू ऑफ मार्कर्स होता कितना 140 अब सर मेरी बात को दिल थाम के सुनिएगा सर मतलब इस 140 पे टोटल एक्साइज लगाया कितना लगाया बेटा सर 25 फाइव वॉट इज द रेट ऑफ टैक्स ऑन मार्कर्स जो आउटपुट गुड्स मेरे कस्टमर्स ने मेरे से खरीदा है उस पर रेट ऑफ टैक्स है कितना सर टेन परसेंट टेन परसेंट किसका वैल्यू ऑफ मार्कर्स का अगर कोई एक्साइज नहीं होता तो वैल्यू ऑफ मार्कर्स एक्चुअली है कितना 140 है मतलब 140 का सर 140 का टेन परसेंट कितना होता है बेटा फोर्टीन मतलब सर ध्यान देना अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स इज इज अ टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम एंड एंड कंज्यूमर्स तो कंज्यूमर्स कौन सा गुड्स खरीद रहा है Marker खरीद रहा है कितने में खरीद रहा है विदाउट टैक्स अगर उस वैल्यू पे कोई टैक्स नहीं होता तो वैल्यू था वन फोर्टी और रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब करी वो कितनी है बेटा मान लो इस एग्जाम्पल में टेन परसेंट अब सर वन फोर्टी का टेन परसेंट कितना होता है बेटा फोर्टीन मतलब इस पर गवर्नमेंट रूल्स जो कानून हम लोगों ने बनाया है देश के अंदर पार्लियामेंट में बैठ के सरकार उसके अकॉर्डिंग 140 फोर्टी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स जो कस्टमर गुड्स खरीद रहा है अल्टीमेटली उसकी वैल्यू कितनी 140 फोर्टी विदाउट टैक्स उस पर 10 परसेंट गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए 10 परसेंट कितना होता है बेटा 14 और सर ले कितना रहे बेटा 25 मतलब कस्टमर को टोटल गुड्स मिलना चाहिए 154 में 154 कैसा है बेटा सर 140 इज द वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस 14 इज द एक्साइज टोटल 154 होता है मतलब मेरे कस्टमर को गुड्स मिलना चाहिए 154 में जबकि कस्टमर गुड्स मिल कितने में रहा है 165 में नहीं चलेगा नहीं चलेगा अन्ना हम तुम्हारे साथ है तुम भूखे रहो हम मस्त्र है हम तुम्हारे साथ है स्ट्राइक कर दी पूरे हिंदुस्तान में ये क्या कर रहे हो साहब हमको तो सर मूर्ख बनाया जा रहा है सर हमसे तो ये बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है आपको टैक्स लेना है कितना 14. और आप हमसे ले कितना रहे हो 25. और ये तो मैंने केवल दो स्टेप बताई बेटा आपको डैट इनपुट वाले ने इनपुट बनाया मैंने आउटपुट गुड्स बनाया डैट एंड कंज्यूमर बचा अगर आगे तीन चार स्टेप और जोड़ देता तो सोचिए कितनी बार टैक्स लग जाता बच्चों हद कर रहे हो साहब आप क्लियर मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स इज 140 और लोगों से टैक्स कितना लिया जा रहा है 25 फाइव करो सर जबकि वैल्यू ऑफ गुड्स है 140 और सर जो गुड्स एंड कंज्यूमर खरीद रहा है उसका जो वैल्यू कितना है 140 है उस पर 10 परसेंट टैक्स होना चाहिए होता कितना 14 और सर ले कितना रहे 25 सर बिल्कुल गलत हो रहा है सरासर ना इंसाफी है हमने सरकार से बोला ये क्या कर रहे हो यार दिस इज रॉन्ग गवर्नमेंट ने बोला हम कहा गलत कर रहे हैं यार हमको समझाओ तो सही गुस्सा क्या करते हो अरे डिस्कशन तो करो हमने कहा बिल्कुल करेंगे डिस्कशन कहां मना कर रहे हम डिस्कशन करने से सरकार गवर्नमेंट ने बोला कि देखो भाई इनपुट जिसने बनाया उसने हंड्रेड में आपको इनपुट बेचा इनपुट रेट ऑफ टैक्स टेन परसेंट था हमने टेन रुपी टैक्स लिया कहा गलत किया <coughs> आउटपुट इसने बनाया आउटपुट उसने वन फिफ्टी में बेचा आउटपुट जिसने बनाया उसने आउटपुट कितने बेचा बेटा बेचा उस टेन परसेंट टैक्स था उस पर हमने टेन परसेंट साहब कंट्रोल सर एक बार सुनने में तो हमको भी लगा हाँ यार गवर्नमेंट कहा गलत कर रही है हमने इसको एनालाइज किया देखते सर एनालिसिस करते ना सर बात करते अच्छे से खुले मन से बात करते सर, दिल खोल के बात करते सर हम मस्त हो गया सरकार हमने इसका एनालिसिस किया कि अल्टीमेटली मार्कर जो है वो 165 सिक्सटी फाइव अगर कस्टमर को जा रहा है तो 165 सिक्सटी फाइव आया बेटा <coughs> सर 165 सिक्सटी फाइव कैसा आया बेटा सर इसके हमने सर तीन टुकड़े करेंगे समझना बात को ध्यान से 150 फिफ्टी पर टेन परसेंट लगा कितना 15 अरे हाँ ना भाई ऐसे हुआ ना सर वन प्लस उस पर लगा कितना 15 ओके मालिक या हम ऐसे काम करते हैं एक काम करते हैं सर इसको मैं अलग तरह से प्रेजेंट करता हूं टोटल एक्सरसाइज कितना पे किया बेटा 25 टोटल एक्सरसाइज कितना है 25 वहां से मैं ब्रेकअप करता हूं मजा आ जाएगा आपको और भी अच्छे से सर। चलिए अच्छा प्रेजेंटेशन करता हूं सर टोटल हमने एक्सरसाइज कितना पे किया 25 ओके okay, मालिक अभी 25 कैसा आया सर देखते हैं सर टोटल हमने एक्सरसाइज पे किया 25 25 कैसे आया बेटा 10 प्लस 15 ओके टेन किस पे पे किया आपने सर टेन वॉज पेड ऑन हंड्रेड हंड्रेड का टेन परसेंट टेन हंड्रेड क्या था बेटा आपका प्लास्टिक या इनपुट्स जिस पर हमने टेन परसेंट टैक्स पे किया फिफ्टीन क्या था बेटा आपका फिफ्टीन कैसा है बेटा फिफ्टीन आया मालिक टेन परसेंट ऑफ वन फिफ्टी वन फिफ्टी क्या था बेटा आपका आउटपुट गुड्स क्लियर तो 150 का आउटपुट गुड्स था उस पर परसेंट टैक्स लगाया ऐसे आई 25 गवर्नमेंट वाला हमने कहां गलत किया इनपुट 100 का था उस पर परसेंट 10, 10 होता है सर आउटपुट गुड्स 150 का था उस पर परसेंट 15 होता है हमने लिया बात खत्म बोला ठीक है साहब हमने आगे और ब्रेकअप किया ब्रेकअप बेटा इस फिगर की बात करो आप वो दिल पे मत लेना ब्रेकअप के लिए सरकार सीए की दुनिया में आ गए बेटा अब हम सर ब्रेकअप और पेचअप जो भी होना है वो सब सीए सिलेबस सी से होना है पढ़ाई से होना है पूरा जान आपको लगाना है कहा? सर पढ़ाई में आनंद के साथ मोहब्बत के साथ बेटा आपका एक ही प्यार होना चाहिए क्या अभी आपकी पढ़ाई चलिए सरकार बोलने में बहुत अच्छा लगता है ना हाँ 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 आगे आगे बात करेंगे सर सर अब वन फिफ्टी का बेटा 100 प्लस 40 वैल्यूडेशन था प्लस आप ध्यान से देखिए बेटा सर ऐसे है? रखते हैं सर सर ये 150 आया बेटा 110 तो यहां पे था सर अरे ना भाई 110 तो यहां पे था तो सर 110 कैसे आया बेटा 110 मतलब 100 तो ऑफ गुड्स हो गया 10 रुपी यहां हो गया टैक्स का अमाउंट क्लियर प्लस 40 हमने किया था बेटा ये प्लस 40 हमने कर दिया बेटा क्लियर 150 का हमने ब्रेकअप किया 150 कैसा है बेटा 100 प्लस टेन प्लस फोर्टी हंड्रेड क्या था बेटा इनपुट टेन क्या था बेटा एक्साइज ड्यूटी ऑन इनपुट फोर्टी क्या था बच्चा वैल्यू एडिशन क्लियर अच्छा 150 का 10 परसेंट लगा मतलब 100 का भी 10 परसेंट लग गया बेटा 10 का भी 10 परसेंट लग गया बेटा फोर्टी का भी टेन परसेंट गया बच्चा क्लियर ये हमने पूरा ब्रेकअप किया अब इसको एनालाइज करते हैं हैं डिस्कशन करते गवर्नमेंट के साथ सरकार हमने बोला कि आपने टोटल एक्साइज लिया कितना गवर्नमेंट ने बिल्कुल लिया टेन रुपये टैक्स लिया हंड्रेड पे हंड्रेड क्या है इनपुट है सर आपने नेक्स्ट जो टैक्स लिया वो वन फिफ्टी पे लिया उस पर टेन परसेंट फिफ्टीन लगा अब वन फिफ्टी का जब हमने ब्रेकअप किया आगे हमको समझ में आया ये हंड्रेड क्या है बेटा आपने 150 पे 10 परसेंट लिया मतलब 100 प्लस 10 प्लस 40 इस पे आपने 10 परसेंट टैक्स लिया हमसे बिल्कुल सही अब देखना ध्यान से क्या हुआ कहानी सरकार दिमाग खराब हो जाएगा सर क्या हुआ बेटा आपने इस हंड्रेड पर वापस से टेन परसेंट टैक्स लगा दिया सर ये हंड्रेड क्या था बेटा इनपुट्स की वैल्यू इस पे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके थे हा है ना यहां पर और वापस से उसी हंड्रेड पर टेन परसेंट टैक्स गवर्नमेंट की चोरी पकड़ में आ गई हम भाई ये क्या कर रहे हो यार जिस वैल्यू पे हम टैक्स पे कर चुके उसी वैल्यू पे वापस से टैक्स मजाक चल रही है क्या सर ये नहीं चलेगा नहीं चलेगा हमने गवर्नमेंट की बदमाशी यहाँ पे पकड़ ली और बोल दिया क्या ना हो पाएगा भाई और सर ये हंड्रेड रुपी जो है ये इनपुट से जिसपे हम टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं और वापस से उस पर टैक्स ले रहे हो आप सर बिल्कुल सरा सर ना इंसाफी है ये नहीं चलेगा नहीं चलेगा जिस वैल्यू पे हम टैक्स पे कर चुके हैं उसी वैल्यू पे वापस है टैक्स सर एक ही वैल्यू पे आप सर दो बार टैक्स लगा रहे हो दिस इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन अच्छा ये तो मैंने दो स्टेप ली मान लो एक इनपुट और ले लेता ये प्लास्टिक था मान लो इनपुट ये प्लास्टिक से के बना केमिकल से बना एक स्टेप और लेता तो केमिकल पर टैक्स फिर वापस प्लास्टिक पर टैक्स फिर वापस पूरे मार्केट पर टैक्स तो सर टैक्स पूरी सेल प्राइस पर टैक्स लगा रहे हो विच इज वन फिफ्टी इंक्लूड्स आपकी इनपुट की वैल्यू ऑल्सो जिसपे आप टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हो और वापस पूरी सेल प्राइस इंक्लूडिंग इनपुट की वैल्यू पर टैक्स लग रहा है बच्चों है ना तो वो एक तरह से इनपुट की वैल्यू पे तो एक तरह से मल्टीपल टैक्सेशन हो गया बेटा देखो डबल टैक्सेशन तो क्या केवल डबल ही काउंट करता है बेटा मल्टीपल टैक्सेशन इंक्लूड डबल ऑल्सो ट्रिपल ऑल्सो फोर टाइम बेटा इसलिए बेटर वर्ड यूज करना क्या है मल्टीपल टैक्सेशन तो सर दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन मल्टीपल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है बच्चों पर डबल इज जस्ट इन एग्जाम्पल बेटर वर्ड क्या है मल्टीपल इसलिए मैंने मल्टीपल टेक्सन वर्ड यूज किया बेटा क्लियर क्योंकि कई बार ऐसा होगा मैंने एग्जाम्पल में दो स्टेप लिए कई बार तीन चार बार प्रोसेस बन के तीन चार अलग प्रोसेस बन के फिर आउटपुट गुड्स बनता है इसलिए मल्टीपल टेक्स हो जाता नहीं चलेगा नहीं चलेगा तो सर हमने गवर्नमेंट को बोल दिया भाई साहब ये आपकी चोरी हमने पकड़ ली गवर्नमेंट हां हां बात तो सही है साहब फिर आगे बढ़े हमने कहा ये क्या मालिक एक्साइज सर एक्साइज ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी लगा दी आपने यार ये रुपी वन क्या है एक्साइज ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी मालिक आपको वैल्यू गुड्स एक्साइज चाहिए गवर्नमेंट की यहां पकड़ ली और बोल दिया कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा इफेक्ट ऑफ टैक्से क्या बोलते बेटा कैश कडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन मतलब क्या होता है बेटा इसका सर

हमने बोला, nahin चलेगा, nahin चलेगा. बोला नहीं चलेगा नहीं चलेगा गवर्नमेंट बोला क्या नहीं चलेगा क्या ये वैल्यू ऑफ गुड्स का पार्ट नहीं है हमने बोला मार्कर की वैल्यू का पार्ट है क्या इस पर पे पहले कभी टैक्स लगाया है बोला नहीं मार्कर की पूरी वैल्यू पर टैक्स लगा रहा है ना बोला हाँ लगाना है और हाँ 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 साहब तो ये टैक्स तो लगना चाहिए बिल्कुल सही हो रहा है साहब मतलब सर यहां पे आपने देखना ध्यान से यहां पे आपने इनपुट्स पर टैक्स लगाया सर सौ रुपए पर टैक्स जब लग रहा है पहली बार लग रहा है बिल्कुल सही लग रहा है कोई तकलीफ वाली बात नहीं है पर जब नेक्स्ट स्टेप पे हम आए ये 150 फिफ्टी पे जब आप टैक्स लगा रहे हो इसमें से 100 पे टैक्स नहीं लगना चाहिए 10 पे टैक्स नहीं लगना चाहिए केवल 40 पे टैक्स लगना चाहिए इसके लिए हम भी एग्री हो गए गवर्नमेंट भी एग्री हो गया कि बिल्कुल सही है कोई तकलीफ वाली बात नहीं है इसलिए इनपुट्स पे एक बार टैक्स लग गया उस पर नेक्स्ट स्टेप पे जो टैक्स लगेगा पूरी 150 पे नहीं लगेगा पूरी वैल्यू पे टैक्स नहीं लगेगा किस पे लगेगा केवल बेटा वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगेगा मतलब हर स्टेज में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उस वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगाना वैल्यू एडिशन क्या बेटा मेरे सारे खर्चे प्लस मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो था सर उस पर ही टैक्स लगाना है नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगेगा केवल वैल्यू एडिशन पे लगेगा इसलिए नाम आया क्या वैल्यू एडिशन पे टैक्स इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स वहां से फंडामेंटल इजाद हुआ फंडामेंटल बना किसका वैल्यू एडेड टैक्स का नेक्स्ट स्टेप टैक्स लगाने का पर ओनली ऑन वैल्यू एडिशन टैक्स लगाने का मतलब कैसे होगा अब चीज को समझने की कोशिश करना तो सर अगर वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाया तो कोई मल्टीपल टैक्सेशन नहीं होगा कोई कैश कटिंग इफेक्ट नहीं होगा कुछ गलत नहीं होगा बिल्कुल सही होगा सर हमारी मांगे पूरी हो गई सरकार वो मांग की बात नहीं कर रहा हूं हूँ सरकार अब हमने क्या किया बेटा गुड्स बनाया बेटा बिल्कुल सही हो गया सब पूरी वैल्यू पे टैक्स नहीं लगना चाहिए केवल वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगना चाहिए तो हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स जब मैंने बेचा सर मैंने बेचा मान लो किसी को कितने का सर पंद्रह करोड़ का बेटा चलो पंद्रह लाख का बेटा फिफ्टीन लेख का मैंने किसी को गुड्स बेचा अब सर इस पे एक्साइज ड्यूटी मैंने लगाया एक्साइज ड्यूटी की रेट थी कितनी टेन परसेंट ऑन वैल्यू ऑफ ऑन आउटपुट गुड्स सर जो मैंने गुड्स बना के बेचा उस पर रेट ऑफ टैक्स कितना था बेटा टेन परसेंट सर टेन परसेंट जस्ट एक एग्जाम्पल लिया अलग अलग गुड्स पर अलग अलग रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ बेटा ओके सर वो क्वेश्चन आपको हमेशा देगा अभी याद नहीं करना आप समझने की कोशिश करिए सर वैल्यू ऑफ़ आउटपुट गुड्स कितना बेटा फिफ्टीन लैक्स उस पर टेन परसेंट कितना हो गया बेटा ओ भाई कितना हो गया क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स कितना फिफ्टीन लाख उस पर टेन परसेंट टैक्स कितना बेटा फोर्टी थाउजेंड क्या हो गया ऐसा कभी बिल देखा आपने सर मशीन की वैल्यू पंद्रह लाख रुपया टैक्स दस परसेंट कितना होता है बेटा चालीस हजार ऐसा कभी देखा आपने ये क्या करो अरे भाई सर दिस इज टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन सर मैंने क्या किया आप देखिए वैल्यू ऑफ गुड्स 150 उस पर वैल्यू एडिशन पे, पे 10 परसेंट होता है हो बेटा 4 154 मैंने क्या किया बेटा कुछ जीरो एक्स्ट्रा लगा बेटा देखिए ना मेरे मालिक मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि नेक्स्ट स्टेप पर जब आप, आप आउटपुट गुड्स बेचेंगे तब टैक्स जो लगेगा वो पूरी वैल्यू पे मत लगाओ केवल वैल्यू एडिशन कितना था बेटा 40 40 पे टैक्स लगाओ होता है कितना फोर हाँ है ना तो सर 154 आ जाएगा मतलब ये है कहने का कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो सर क्या करने का बेटा यहां में बताता हूं क्या करने का बेटा इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर मैं जब गुड्स बना के बेचूंगा तो कैसे करूंगा सर मैं सर मैंने जब इनपुट परचेस किया होगा उसी एग्जांपल को ले रहा हूं सेम फिगर्स उस पर एक्साइज ड्यूटी मैंने पे किया होगा उस सप्लायर को उस मैन्युफैक्चरर को कितना टेन रुपी टोटल हंड्रेड एंड टेन ये मेरा परचेज़ इन्वेस्ट आ गया मेरे मालिक सर जब इन्हें परचेज़ किया होगा मेरी कॉस्ट हंड्रेड एंड टेन हो गई बेटा सर मैंने अपना वैल्यू एडिशन वही मेरा मार्जिन मेरे सारे खर्चे वगैरह कितना बेटा फोर्टी टोटल वन हो गया ये मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स आ गया बेटा अब एक्साइज ड्यूटी जो लगेगा टेन वो पूरी वैल्यू पर नहीं लगेगा केवल वैल्यू एडिशन प्ले होता है कितना अल्टीमेटली so टोटल, 14. टोटल, 14 टोटल एक्साइज फोर्टीन गया मतलब जितना टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए उतना ही अल्टीमेटली टैक्स कस्टमर से लिया और उतना ही टैक्स गवर्नमेंट को गया ना ज्यादा ना कम भारत में एकदम मजेदार बात हो गई पर इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स वैल्यूडेशन पे टैक्स पर जैसे ही मैंने इस फिगर को इस फंडामेंटल में रखा आपके लिए प्रैक्टिकल लेवल पे रखा तो सर आपने कभी ऐसा बिल देखा आज तक बेटा गया कोई भी टैक्स एक्साइज छोड़ो सर जीएसटी या कोई भी टैक्स अगर आपने देखा हो कि वैल्यू ऑफ मशीन वैल्यू ऑफ गुड्स पंद्रह लाख की उस पर टेन परसेंट टैक्स कितना बेटा चालीस हजार रुपए बेटा आपने शोरूम से दुकान से मोबाइल परचेज किया हो सर मोबाइल कितने पंद्रह हजार का उस उसपे टैक्स मान लो कितना है जीएसटी है, जो भी टैक्स है टेन परसेंट कितना बेटा चार सौ रुपये बेटा कभी देखा भी ले अपने आप बोलोगे फटाफट बिल फोल फो, फो, फोल्ड कर ये पंद्रह हजार चार सौ चल निकल आप सोचोगे उससे कोई मिस्टेक हो गई हमारा तो पैसा बच गया हा है ना भाई ऐसा कभी बिल देखा आपने नहीं तो सर आपने जो बिल आज तक देखा होगा उसमें जो वैल्यू ऑफ मशीन है या वैल्यू ऑफ गुड्स आप खरीद रहे हो उसकी पूरी वैल्यू पे टैक्स लगा होगा इस तरह का बिल कभी आपने नहीं देखा होगा मतलब हम जो है बात कर रहे हैं फंडामेंटली सही है तो प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता सर हम किसी भी गुड्स का वैल्यू लिखेंगे उसका ही टेन परसेंट लगाएंगे ना यार तो गवर्नमेंट ने बोला क्या सर ये सिस्टम अल्टीमेटली टैक्स का अमाउंट सही दे रहा है बट तरीका सही नहीं नतीजा नतीजा सही है पर तरीका सही नहीं है और सर नतीजा तो बिल्कुल सही है हमको तरीका भी सही करना पड़ेगा इसलिए गवर्नमेंट ने बोला क्या नहीं 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 साहब आप कस्टमर से टैक्स ले रहे हो पूरा फोर्टीन सर कैसे फोर्टीन बेटा दस रुपए तो यहां लिए वो जो आपकी का बार्ड बना बेटा इस वन फिफ्टी में टेन रुपी टैक्स भी तो है और चार रुपए आपने अलग से लिए अल्टीमेटली कस्टमर से कितना लिया फोर्टीन लिया बेटा तो आप जो कस्टमर से टैक्स ले रहे हो पूरा बिल पे लिखो और उसको बता के, उसको बता के फिर टैक्स लो बिल पे तो दिखा रहे घर चार रुपए अल्टीमेटी ऐसा नहीं चलता है साहब पूरी वैल्यू पर टैक्स लगाओ और फिर गवर्नमेंट को पे करो और कस्टमर को बताओ कि हमने इस पूरी वैल्यू पे इतना टैक्स आपसे लिया और गवर्नमेंट को पे किया है हमने बोला भाई साहब पूरी वैल्यू पे अगर टैक्स लगा दिया तो लोड के बुद्धू घर को आएंगे और वापस ये फिफ्टी रूप टैक्स लग गया तो अगेन मल्टीपल टैक्सेशन हो तो जाएगा कैशिंग इफेक्ट हो तो जाएगा फिर हिंदुस्तान में हमको वापस स्ट्राइक करनी पड़ जाएगी सर क्या मतलब रहेगा ना सर अरे गवर्नमेंट गोला अरे भाई पूरी बात तो सुन पूरी बात सुनोगे तो आपको अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा हम सुनो, सुनो भाई। हम भाई सुनने के लिए तो पैदा हुए बेटा क्लियर सुन ही रहे जीवन में जब से पैदा हुआ तो कभी किसी, कभी किसी वक्त कब आएगा जब हम भी किसी को सुनाएंगे आएगा अपना वक्त आएगा अपना टाइम नहीं अपना पूरा दौर आएगा लगा दो अपना पूरा दम पढ़ाई करो मस्त वाली सर हंड्रेड परसेंट दम आएगा आपका पूरा दौर आएगा टाइम आएगा अब सर गवर्नमेंट क्या बोलती है अरे बात सुनो तो सही नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगाओ पूरी वैल्यू पे लगाओ पर चिंता मत करना पहले जो परचेज पे आपने टैक्स पे कर दिया है परचेज भी जो आपने टैक्स पे कर दिया है उसका हम आपको क्रेडिट दे, दे देंगे उसका हम आपको बेनिफिट दे, दे देंगे सर उस टैक्स को हम मानेंगे कि एक तरह से आपने एडवांस टैक्स पे किया कैसे होगा सिस्टम समझने की कोशिश करना अब आ रहा है क्या सर बताइए क्या था बेटा वैल्यू एडेड टैक्स आपने पड़ा क्लियर सिंस सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अब तक हमने पढ़ा क्या वैल्यू एडेड टैक्स सर ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के थे इसलिए इसको बोलते थे क्या सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स क्लियर अब तक आपने इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते क्या सेंवेट सेनवेट मतलब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स

सर अब आ रहा है फंडामेंटल किसका सेनवेट क्रेडिट का ये लिखते हम पास में तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है लाइफ में सर अब देखिएगा ध्यान से मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर अगेन मैं कू भाई मैनुफेक्चर बेटा मैंने इनपुट परचेज है चलो एक काम करते ना यार नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं सर क्या मस्त वाला सामान मिक्स नहीं होगी बात चलिए सर सर अब आ रहा है फंडा किसका सैनवेट क्रेडिट का अब अगेन आई एम अ मैन्युफैक्चरर देखना ध्यान से फंडामेंटल ऑफ सैंवेट क्रेडिट आई एम अ मैन्युफैक्चरर अब सर मैंने क्या किया मैंने इनपुट परचेस किया कितने में 100 में परचेस किया उस पे एक्साइज ड्यूटी पे किया क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर था इनपुट का वो मैन्युफैक्चरर था उसने मैन्युफैक्चर किया सर उसने एक्साइज लगाया टोटल बिल मेरे को दिया उसने 110 का अब गवर्नमेंट बोलती है क्या मंगल जब तू इससे गुड्स बना के बेचेगा तब तेरे को एक्साइज पे करना पड़ेगा एक्साइज जो पे करना है एक्साइज जो पे करना है मेरे भाई वो पूरी वैल्यू पे पे करना है पूरी सेल प्राइस पे पे टैक्स करना है पर चिंता मत करना उस सेल प्राइस में सिंस ये जो मेरी परचेस प्राइस वो भी मेरी कॉस्ट का पार्ट बनता है बेटा क्लियर और इस पर एक्साइज ऑलरेडी पे कर दिया और वापस टैक्स लग जाएगा तो मल्टीपल टैक्स हो जाएगा कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा इसलिए चिंता मत करना तूने जो परचेस पे टैक्स पे किया है जो टेन रुपी मैंने टैक्स पे किया है इसका मेरे को सैनवेट क्रेडिट अलाउ कर देंगे देखना ध्यान से कैसे अलाउ होगा क्या अलाउ होगा सर आई विल बी एलिजिबल टू अवेल सैनवेट क्रेडिट सेनकेट अवेल्ड क्रेडिट टेकन एक ही बात है बेटा मैंने परचेज पे टेन क्रेडिट अवेल कर लिया मैंने दस रुपए का लिया मतलब वो मेरा एक तरह से करंट असेट है वो आगे मेरे को काम आएगा एक तरह से वो एडवांस टैक्स पे किया हुआ है जो फ्यूचर लाइव को पे करने में काम आएगा कैसे काम आएगा दो मिनट बेटा मतलब हंड्रेड एंड टेन ने परचेज किया उसमें टेन रुपी किया एक तरह से मेरा एडवांस टैक्स है तो अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट कितनी बेटा मेरी कॉस्ट जो ही वो केवल हंड्रेड ही तो हुई है सो आउट ऑफ हंड्रेड एंड टेन टेन का मेरे को क्रेडिट मिल गया टेन का मेरे को बेनिफिट बेनिफिट मिल जाएगा आगे जाके फ्यूचर इज करंट बेटा वो मेरा है तो मेरी अल्टीमेटली कॉस्ट कितनी बेटा हंड्रेड हुई है अब मेरी कॉस्ट हंड्रेड हुई है तो सर मैंने अपना वैल्यू एडिशन किया कितना बेटा फोर्टी बाकी सारे फिगर सेल प्राइस बने गया कितना दिस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स वन फोर्टी एक्साइज ड्यूटी की रेट कितनी बेटा 10 परसेंट होता है कितना 14 अल्टीमेटली मैंने कस्टमर को बिल बनाया कितने का 154 का उसमें फोर्टीन रुपी क्या बेटा एक्साइज ड्यूटी है अब सुनना बात को ध्यान से जब मैं एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करूंगा टैक्स है कस्टमर से मैंने

Clear? मैंने एडवांस दस रुपए टैक्स पे किया था उतना टैक्स मैं कम पे करूंगा तो आउट ऑफ रुपीजोन गवर्नमेंट के पास दस रुपए ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जो मैंने ही पे किए थे और वो दस रुपए मैंने कस्टमर से लेके अपने पास रख लिए बेटा हा है ना भाई मैंने एक तरह से कस्टमर से लिए और मैंने जो इनपुट वाला था उसको मैंने दस रुपए दिए और उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया बेटा क्लियर तो दस रुपए का जो सेंडवेट क्रेडिट था वो मैं क्या कर लूंगा यूज कर लूंगा और बैलेंस फोर में गवर्नमेंट को पे कर दूंगा क्लियर सो अल्टीमेटली सर कस्टमर से मैंने टैक्स कितना लिया फोर्टीन लिया फोर्टीन में से मैंने गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे किया सर अभी फोर पे किया और चार एक तरह से मैंने परचेज के टाइम पे पे कर दिया था और जिससे मैंने परचेज किया था उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया तो अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर है उसकी पॉकेट से फोर्टीन रुपए गया 14 में से सर मैंने गवर्नमेंट को पूरा फोर्टीन पे कर दिया कैसे पे किया चार तो अभी पे किया दस पहले ऑलरेडी पे कर चुका था बेटा अल्टीमेटली गवर्नमेंट को दस रुपए टैक्स मिल गया और सर कस्टमर की पॉकेट से भी दस फोर्टीन रुपए गया अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ गुड्स जो वन है उस पर टेन परसेंट टैक्स लगना चाहिए उसी पे लगा है टैक्स और सर उसका 10 होता है 14 वो पूरा बिल पे भी लिखा है कस्टमर को बताया कि ये 14 भी हम टैक्स ले रहे हैप्पी है। so कि सर कोई मल्टीपल टैक्सेशन नहीं हो रहा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है कोई गलत नहीं हो रहा सर जितना टैक्स गवर्नमेंट को मिलना चाहिए उतना ही टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है ना ज्यादा जा रहा है ना कम जा रहा है बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है और इसी के साथ भारत माता की जय ये फंडामेंटल

मैंने ये जो रुपए टैक्स था ये एडवांस में सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर दिया है फिर मैं जब अपना गुड्स कस्टमर को बेचूंगा तब उसकी जो पूरी वैल्यू होगी उस पूरी वैल्यू पे पूरा टैक्स लगाऊंगा और वो पूरा टैक्स मैं कस्टमर से लूंगा इन टैक्स है मैंने कस्टमर से टैक्स लिया अब जब गवर्नमेंट को पे करूंगा तब इस फोर्टीन में से दस रुपए टैक्स तो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को एडवांस में पे कर चुका हूं एट हूँ परचेस ऑफ इनपुट्स क्लियर तो रिमेनिंग टैक्स जो होगा फॉर उसी को मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टोटल 14 मिल गया कस्टमर से भी 14 गया जेब से और बिल पे भी पूरा टैक्स लग के आ गया कस्टमर के पास इसी के साथ फंडामेंटल जो था वो शायद आप तक पहुंच गया कि आखिर ये सैन्य क्रेडिट क्या होता है तो सर मेरा अब अगला क्वेश्चन आपसे ये दिल थाम के सुनेगा कि आखिर ये दस का क्रेडिट क्यों मिला सर मेरा अगला क्वेश्चन जो आपसे है बहुत ही सुंदर बहुत ही शानदार है और वो क्वेश्चन आपके लिए ऊपर आ चुका है आखिर यह दस का क्रेडिट क्यों मिला ये बड़ा ही शानदार फंडामेंटल है सर कर हर मैदान फतेह पर पहले ये समझ ले कि दस का क्रेडिट क्यों मिला सर आखिर यह दस का क्रेडिट क्यों मिला कैसे मिला ये दस रुपए कौन सा ये वाला ये जो परचेज पे आपने टैक्स पे किया इसका दस का क्रेडिट जो दस रुपए टैक्स पे किया उसका क्रेडिट क्यों मिला मेरे को यह फंड आपको रिवाइज कराना है सर आप सोचेंगे क्या परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है रहा है ना ना भाइयों अगर परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट अगर मिलता तो सोचिए आपने भी जितने भी गुड्स खरीदी आज तक मोबाइल परचेज किया शर्ट परचेज किया टी शर्ट परचेज किया सर पेन परचेस किया इतनी सारी गुड्स आपने परचेज करी आज तक इतनी शॉपिंग करी होगी उन सब पे आपने टैक्स पे किया होगा परचेस पर सर उन सब के परचेज पे आपने टैक्स पे किया होगा क्या आपने कभी क्रेडिट लिया क्रेडिट नहीं लिया मतलब परचेज टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता तो सर क्रेडिट क्यों मिलता है अब सुनना बात को ध्यान से सर मेरा फंडामेंटल ये जिंदगी के साथ भी जिंदगी भी काम आने वाला है आखिर दस का ग्रेड क्यों मिला सर ये ध्यान देना बेटा ये सेम फंडामेंटल जीएसटी हो एक्साइज हो वेट हो सर्विस टैक्स हो सब जगह हमेशा काम आएगा तेरह साल से लोगों को सिखा रहा हूं दस का ग्रेड क्यों मिला दस का ग्रेड क्यों मिला क्योंकि ये फंडामेंटल अगर समझ में आ गया तो भारत माता की जय सरकार आखिर दस का ग्रेड क्यों मिला दिल थाम के सुनेगा क्योंकि केवल परचेज पर टैक्स पे कैशले क्रेडिट नहीं मिलता है का ग्रेड क्यों मिला सुनना ध्यान से क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे वन फोर्टी पे लग रहा है वन फोर्टी क्या है आपकी सेल प्राइस समझना पिक्चर ध्यान से सर टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है विच इंक्लूड्स हंड्रेड देखो आपकी सेल पे जो टैक्स लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है व्हिच इंक्लूड्स 100 ऑन व्हिच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार तो 100 पे भी टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार मल्टीपल टैक्स हो जाएगा और ये दसिक्रेट अगर नहीं दिया तो ये भी हमारी कोस्ट का पार्ट बन जाएगा और कोस्ट का पार्ट बनेगा तो अगेन सेल प्राइस का पार्ट बन जाएगा और उस टैक्स पे वापस से टैक्स लग जाएगा तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट भी हो जाएगा हाँ ना अगर अगर दस का क्रेडिट नहीं, नहीं मिलता तो सिंस टैक्स लग, लग रहा है पूरी सेल प्राइस लग रहा है विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ परचेज जिसपे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं हाँ आये ना वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पर टैक्स लगता क्लियर मल्टीपल टैक्स होता और अगर क्रेडिट नहीं मिलता तो टैक्स भी हमारी कॉस्ट का पार्ट बनता और कॉस्ट का पार्ट बनता मतलब सेल प्रेस का बनता, सेल प्राइस प्राइस का का पार्ट पार्ट बनता बनता मतलब उस टैक्स पे भी टैक्स लग जाता मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट भी होता सो so, टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट दस का क्रेडिट मिला भारत माता की जय शानदार माहौल वाला माहौल जबरदस्त शानदार सरकार आई रिपीट दिल थाम के सुनना ये वो मंत्र है जिससे मैं पूरा जीएसटी पढ़ा दूंगा आपको बेटा ये वो मंत्र है जिसको समझ में आ गया सर पूरे फंडामेंटल क्लियर ये वो चीज है जिसकी वजह से जीएसटी आया है दिल थाम के सुनना बेटा अभी तो एक्सरसाइज चल रहा है धीरे धीरे बात करूंगा मैं आपसे आराम से मस्त होके होले होले <coughs> आखिर ये दस का क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि सर रिपीट कर रहा हूं मैं और आपको भी रिपीट करना बेटा दस का क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है व्हिच इंक्लूड्स 100 ऑन व्हिच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट दस का क्रेडिट मिला माहौल अरे हां ना मेरे भाई क्लियर डन सर तो एक बार के लिए आप और हम साथ में रिपीट करेंगे आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि बोलो 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 बोलना है आपको क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है सेम फिगर बोलो आप चलेगा कोई दिक्कत नहीं क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार मल्टीपल टैक्स हो जाएगा कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट दस का क्रेडिट मिला माहौल जबरदस्त शानदार क्लियर एक बार के लिए बच्चों आंखें बंद आंखें बंद प्लीज ध्यान पूरा मेरी तरफ आंखें पूरी बंद सरकार अब हम विजुअलाइज करेंगे हम फील करेंगे आखिर ये दस का क्रेडिट क्यों अपने जहन तक उतारेंगे आखिर दस का क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि टैक्स जो लग रहा है आंखें बंद क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है इंक्लूड हंड्रेड ऑन विच वी है टैक्स और वापस से पूरे वन फोर्टी इंक्लूडिंग हंड्रेड पर टैक्स लग रहा है यार सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैश कडिंग इफेक्ट दस का क्रेडिट मिला ओम शांति 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 धीरे से आके खोलो और जबरदस्त शानदार क्लियर समझे मेरी बात क्योंकि वन फोर्टी पर टैक्स लग रहा है यार विच इंक्लूड हंड्रेड जिसपे हमने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला हां है ना मेरे भाई क्लियर ओके तो सर एक चीज और समझ लेते हैं बेटा हम मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं मस्त वाला आपका फंडामेंटल एकदम स्ट्रांग हो जाएगा कभी दिक्कत आएगी नहीं लाइफ में आपको सर चलिए मान लो आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस पेन आल्सो मार्कर बनाया बेटा अब पेन बना रहा हूं एग्जेम फ्रॉम एक्साइज इस पर एक्साइज नहीं लगता मेरे बेटा एक्साइज एग्जाम अच्छा पेन बनाने के लिए अगेन मैंने इनपुट परचेज किया कितने में

मैंने वैल्यूडेशन किया मेरे सारे खर्चे प्लस प्रॉफिट मार्जिन 40 टोटल आ गया क्या 150 ये मेरा आउटपुट गुड्स बन गया 150 का इस पे एक्साइज ड्यूटी कितना है बेटा लड्डू एक्समट है कोई कोई जीएसटी पे पे करने करने एक्साइज की जरूरत नहीं है क्लियर अल्टीमेटली मैंने 150 का सेल बिल बनाया और इनवॉइस बना के मैंने कस्टमर से 150 ले लिया अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है क्या यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में कोई मल्टीपल टैक्सेशन हुआ है क्या कोई इफेक्ट हुआ है क्या आंसर इज़ नो सौ रुपए पर टैक्स लगा है इस हंड्रेड पे टैक्स लगा है और इस हंड्रेड पे वापस से टैक्स नहीं लगा ये टेन रुपए जो आपने टैक्स पे किया है इसका क्रेडिट नहीं मिला ये हमारी कोस्ट का पार्ट बना अल्टीमेटली सेल प्राइस का पार्ट बना पर उस टेन रुपी एक्साइज के अमाउंट वापस एक्साइज नहीं लगा सर कोई मल्टीपल टैक्सेशन नहीं हुआ कोई कैश इफ़ेक्ट नहीं हुआ अब आप मुझे बताओ ये परचेज पे अगर जो टैक्स पे किया उसका अगर क्रेडिट गवर्नमेंट ने देने से मना कर दिया तो क्या गलत किया है क्या आंसर इज नो कोई गलत नहीं किया गवर्नमेंट ने क्योंकि सर दसा क्रेडिट मिला ही क्यों आखिर टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड

क्लियर अब याद करो वापस दस का क्रेडिट क्यों मिला परचेस पे टैक्स पे क्या इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता हिंदुस्तान में कई सारे लोग ये फंडामेंटल ढंग से सर नहीं समझते इसलिए उनको चीजें याद करनी पड़ती है मेरी गारंटी आपको कभी जिंदगी में याद नहीं करना पड़ेगा कि सर आपकी गुड्स अगर एक्जिम है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता ये लाइन कभी याद नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपको यह पता है कि क्रेडिट मिलता ही क्यों है तो आपको ये कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा कि कहां का क्रेडिट मिलता है और कहां का क्रेडिट नहीं मिलता है क्लियर तो सर अगर आपके आउटपुट सप्लाई एग्जाम तो क्रेडिट की बात आएगी नहीं क्यों मिला ही क्यों? क्योंकि सर आपके वन फोर्टी पे टैक्स लग रहा है सो टू अवॉइड मिला पर मेरे अगर वन फोर्टी पे टैक्स लग ही नहीं रहा मेरे मालिक कोई मल्टीपल टैक्स हो नहीं रहा कोई कैश कैडिंग इफेक्ट हो ही नहीं रहा तो मेरे को क्रेडिट भी नहीं मिलेगा शायद मेरी बात आप तक यहां तक पहुंच गई अरे आया ना मेरे बेटा क्लियर डन तो शायद आपको समझ में आ गया कि दस का क्रेडिट क्यों मिला क्लियर अब सर ये मैंने बात करी किसके लिए मैन्युफैक्चरर के लिए अब एक स्टेप आगे बढ़ता हूं सरकार बात करी मैंने किसके रेस्पेक्ट में एक्साइज के रेस्पेक्ट में फंडामेंटल आपको समझाया अब देखिए जब आप फंडामेंटल पढ़ते हो तो सर चीजें कैसे काम आती है आगे वापस से देखो ध्यान से अरे आना रहा सर मजा जीवन में गुड सर अब इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूं और मैं चाहूंगा के भी इस पॉइंट को आप और हम मिलके बात करें माहौल के साथ और सर देखना मेरी गारंटी है सर मेरे पढ़ाने से पहले आंसर आप दे देंगे नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं आई एम अ आई एम अ मैन्युफैक्चरर और सर मैन्युफैक्चरिंग करने पर एक्साइज तो लगता ही लगता है सिंस मैं गुड्स बेचूंगा भी इसलिए वेट भी लगेगा तो अब इस फंडामेंटल के अंदर मैं एक्साइज ड्यूटी प्लस वेट दोनों लेके आ रहा हूं या मैं यहां लिख देता हूं क्या वेट एंड वेट दोनों के फंडामेंटल को हम साथ में एक बार पढ़ते हैं देखते हैं सर माहौल बनता कि नहीं बनता आपके इनमें? मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चर हूं मार्कर बनाता हूं बच्चों में आई मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर्स मैंने मार्कर मैन्युफैक्चर किया उसके लिए मैंने इनपुट्स परचेज किए कितने के बेटा हंड्रेड में मैंने इनपुट्स परचेज किया हंड्रेड में सर इनपुट जो परचेज किए किससे परचेज किए डैड मैन्युफैक्चरर से परचेज किए मैन्युफैक्चरर से जब मैंने इनपुट परचेज किए होंगे सर उन्होंने मेरे बिल पे क्या लगाया होगा सर एक्साइज ड्यूटी लगाया होगा

बिकने से पहले एक्साइज लग चुका है इसलिए एक्साइज इज इस ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल वैल्यू फॉर दर्पज ऑफ चार्जिंग वेट क्लियर पूरे 110 पर 4 परसेंट होता है कितना 4.40 पॉइंट फोर जीरो टोटल हो गया वन वन फोर पॉइंट फोर जीरो उन्होंने मेरे को जो इनवर्स बनाया वो पूरे वन वन फोर पॉइंट फोर जीरो को बनाया ये सर मैंने इनपुट परचेज किया

क्रेडिट अवेल कर लूंगा ले लूंगा अवेल कर लूंगा, मतलब अवेलेबल है ले लिया है, टेकन दस का क्लियर सिंस मेरे परचेज पे वेट पे किया सेल पे भी वेट लगने वाला है क्लियर इसलिए और पूरी वैल्यू पे टैक्स लगने वाला है और मैं बताता हूं आपको हो हो या वेट फंडामेंटल एब्सोल्युटली सेम बस फर्क क्या है सैनवेट इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाकी कोई फर्क नहीं सर फंडामेंटल में एब्सोल्युटली सेम तो सर मैंने परचेस पे वेट पे किया इसलिए मैंने वेट क्रेडिट अवेल किया कितने का फोर पॉइंट फोर जीरो का अब सर मैंने सैनविड अवेल किया दस का वेट क्रेडिट अवेल किया फोर पॉइंट फोर का आउट ऑफ वन वन फोर पॉइंट फोर जीरो दस का सैनविड फोर पॉइंट फोर का वेट क्रेडिट तो अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट हो, हो गई कितनी बेटा हंड्रेड अब मेरी कॉस्ट अगर हंड्रेड हो गई देखो आउट ऑफ वन वन फोर पॉइंट फोर में से फोर फोर पॉइंट फोर का वेट क्रेडिट दस का सैनविड क्रेडिट तो अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट हो गई कितनी हंड्रेड सर मैंने वैल्यूडेशन किया मैंने वही फिगर

पे कर दिया सेम वे जब 6.16 इनडायरेक्ट टैक्स है वेट का अमाउंट है स्टेट गवर्नमेंट को पे करूंगा जब स्टेट गवर्नमेंट को पे करने गया तब मेरे पास ऑलरेडी 4.4 का मैंने एक तरह से एडवांस में टैक्स पे कर रखा है स्टेट गवर्नमेंट को वेट अमाउंट पे कर रखा है।, है जिसका मैंने क्रेडिट लिया हुआ था वो 4.40 का मैंने वेट क्रेडिट यूटिलाइज किया वेट क्रेडिट यूज किया और बैलेंस 1.76 मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पूरा टैक्स मिल गया कस्टमर से भी जितना टैक्स लाना मिल गया सरकार अल्टीमेटली हुआ, कोई नहीं हुआ और जितना को चाहिए था उतना, आया, और उतना, उतना भिल -भिल के से लिया, भारत माता की जय सर मेरा क्वेश्चन आपसे अब ये है दिल थाम के आंसर देना मजा आना चाहिए जीवन में सरकार आखिर दस का क्रेडिट क्यों मिला जल्दी बोलो आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीबडी

एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यह कि बताइए ये 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला 4.4 <laughs> का वेट क्रेडिट क्यों मिला दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन हां मालिक बहुत सारे लोग सोच रहे सर सेम फंडामेंटल सर के एग्जाम में मिल क्यों सेम फंडामेंटल बोलो सर 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे वन फिफ्टी लग रहा है टैक्स जो लग रहा है पूरे वन फिफ्टी लग रहा है विच इंक्लूड हंड्रेड एंड टेन ऑन विच ऑलरेडी पेड द वेट और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ वेट हमें 4.4 का वेट क्रेडिट मिला भारत माता की जय मतलब फंडामेंटल एब्सोल्युटली सेम तो एक बार वापस आप रिपीट करिए फिगर चेंज हुए बच्चों तो मुझे क्या फिगर याद की आपको नहीं मुझे तो फंडामेंटल समझाना बेटा आपको सर फिगर चेंज हुए तो क्या हो गया मैं तो कह रहा लाखों करोड़ों का क्वेश्चन भी आएगा तो भी फंडामेंटल तो यही रहेगा सर बताइए 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला सर बताइए क्योंकि क्योंकि टैक्स वेट लग, लग रहा है टू अवॉइड द मल्टीपल टेक्सेशन एंड कैस कैन इनफैक्ट दस फोर पॉइंट फोर का वेट क्रेडिट मिला जय हिंद जय भारत भारत माता की जय हा भाई डन मतलब आपने देखा हो तो एब्सोल्यूटली जो हमने सैनविट क्रेडिट का फंडामेंटल पढ़ा था वही वेट क्रेडिट का फंडामेंटल है बस फर्क इतना सा है कि एक्साइज जो सैनविट क्रेडिट है बेटा इट इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर मतलब ये है चलो मुझे एक बता, बात बताओ आप अपने आप मेरा आंसर आ जाएगा सर मान लो आपकी लाइब्रिलिटी है एक्साइज की आपने परचेज पे वेट पे किया हुआ है क्या वेट का क्रेडिट वेट का क्रेडिट एक्साइज को पे करने में काम आ सकता है क्या आंसर इज नो क्यों नहीं क्योंकि वेट आपने पे किया स्टेट गवर्नमेंट को एक्साइज आप पे कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सर जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को

क्लियर इसलिए आपने टैक्स पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को तो क्रेडिट भी वही देगा और क्रेडिट जो वो देगा वो उसके टैक्स पे करने में काम आएंगे सर वो स्टेट टैक्स को पे करने में काम नहीं आएंगे तो सेंडवेड क्रेडिट वेट में काम नहीं आता वेट का क्रेडिट सेंविट में काम नहीं आता हा है ना भाई डन क्योंकि वेट पे किया स्टेट गवर्नमेंट को तो स्टेट गवर्नमेंट ही स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स के लिए क्रेडिट देगी सेंडवेड क्रेडिट अगर पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सेंडविट सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स के लिए बेटा हा है ना भाई डन

सी जी एस टी का क्रेडिट एस जीएसटी में काम नहीं आएगा एस जीएसटी का क्रेडिट सी जीएसटी में काम नहीं आएगा सी जीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी एस जीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी बेटा क्लियर बात करेंगे धीरे धीरे अभी रुको आप मैं तो बस इतना सब आपको ये लाइन इसलिए बोली ताकि आपको ये ध्यान रहे कि चीजें ध्यान से पढ़नी है काम आने वाली है आगे ये मत समझ लेना ये तो गया एक्ट अब क्या काम का भाई मैं एक्ट नहीं पढ़ा रहा मैं फंडामेंटल पढ़ा रहा आपको माहौल के साथ क्लियर डन तो सर सैनवेट का क्रेडिट क्यों मिला वेट का क्रेडिट क्यों मिला यहां तक बात शायद आपको समझ में आ गई अरे क्लियर सर तो एक काम करते हैं दस का क्रेडिट क्यों मिला ये फंडा आपको क्लियर हो गया दस का क्रेडिट क्यों मिला भले वो वेट का हो भले वो सैनवेट का हो फंडामेंटल एप्सोल्यूटली सेम क्लियर अब सर

जैसा आपने बात करी थी कल प्लीज 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 सर प्लीज या तो आप एक एक स्लाइड में आपके सामने ला रहा हूं उसको लेक्चर को पोज करो और उसको आपकी नोटबुक में नोट करिए या फिर सर एक एक स्लाइड का प्लीज है स्क्रीन शॉट और फिर लेक्चर एंड हो ही रहा है बेटा फिर अपनी नोटबुक में नोट करिए पर ये आपको नोट करना कंपलसरी है क्योंकि ये वो फंडामेंटल है जो कहीं नहीं मिलने वाले ये सर चीजें बहुत ही नायाब है मजा आने वाला सर आपको सरकार नेक्स्ट प्लीज सर हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड बेटा माहौल के साथ यस सर एक्सरसाइज का मैंने फंडा बताया आपको बेटा इसमें मल्टीपल टैक्सेशन भी था और कैस्केडिंग इफेक्ट भी था बेटा लो मालिक यहां से आपको समझ में आएगा कि आखिर मल्टीपल टैक्स क्या होता है इफेक्ट क्या होता है और अल्टीमेट एडिशन पे ही लगना चाहिए ये भी तो हो रहा है पूरे लेक्चर का बेटा आपका क्लियर फिर मैंने बताया कि अगर वैल्यू एडिशन वैल्यूशन टैक्स लगाओगे तो क्या इस तरह का इन्वेस्ट कभी बन पाएगा इस तरह का देखोगे तो आप डर जाओगे भाई ये क्या हो रहा है क्लियर वो क्यों हुआ वो मैंने आपको यहां बताया बता। बेटा कि आप सर केवल वैल्यूडेशन पर टैक्स लगा रहे थे लगा रहे थे ना बच्चा ये सही नहीं था मतलब अल्टीमेटली नतीजा सही था पर तरीका सही नहीं था फिर सैंडविच क्रेडिट का फंडा आया बेटा वो सैंडविच क्रेडिट का फंडा मैंने आपको यहां समझाया और यहां बताया कि आखिर ये दस का क्रेडिट क्यों मिला फिर अगर आपके आउटपुट गुड्स एक्सम डेता आपको क्रेडिट नहीं मिलता क्रेडिट नहीं मिलता वो तो सबको पता है पर क्यों नहीं मिलता शायद आपको समझ में आ गया क्योंकि अगर आउटपुट गुड्स पे टैक्स नहीं है तो मल्टीपल टैक्स नहीं होगा कैस के डिफेक्ट नहीं होगा तो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा बेटा मतलब परचेज पे टैक्स पे क्या तो जरूरी नहीं कि क्रेडिट मिल जाए बेटा आपको ओके ठीक सर फिर सैनविट क्रेडिट क्या लिखता हूं और भी सैनविट क्रेडिट एंड वेट क्रेडिट बेटा एक्सरसाइज और वेट दोनों को साथ में लेके प्रैक्टिकली कैसे होता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी बच्चों क्लियर पका डन सर फिर हम कल शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे कि आगे कहानी क्या हुई कि आखिर क्या तकलीफ थी किस तरह से बात चल रही बेटा ठीक है चलो एक चीज और मैं जो लास्ट में बताई दो सर आप मेरे दिल में एक क्वेश्चन है पूछ लेता मैं आपसे सर चलिए सर मुझे बताओ आपको यह समझ में आ गया कि दस का क्रेडिट क्यों मिला आपको यह समझ में आ गया कि 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला सर मुझे एक चीज बताओ मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर मैं जो गुड्स बना रहा हूं उस पर एक्साइज लगता है पर मान लो वेट नहीं लगता मेरी सेल पर एक्साइज लग रहा है पर वेट नहीं लग रहा तो आप मुझे बताओ मुझे पर मेरे परचेज पर इनपुट के परचेज पर एक्साइज भी पे किया और वेट भी पे किया इनपुट सेक्शन नहीं थे बेटा इनपुट भी था वेट भी था पर 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 मेरे आउटपुट गुड्स लगता है पर वेट नहीं लगता तो मुझे पर वेट क्रेडिट नहीं मिलेगा हा है ना बच्चो क्लियर सर क्योंकि आपको पता है दस का क्रेडिट क्यों मिला आपको पता है 4 .4 का वेट क्यों मिला? <coughs> लग रहा तो क्रेडिट ले लो बेटा

तो मैंने टैक्स पे किया किसी का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर मेरी सेल तो से एक लगता है एक नहीं लगता है उसका मिल जाएगा। जो नहीं लग रहा है उसके रेस्पेक्ट में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा आई होप यहां तक बात आपकी पहुंच गई आपको आए ना बच्चा क्लियर डन अब इस बात को कंटिन्यू करेंगे हम अगले लेक्चर से अगर मैं लिखता हूँ बैठा पे इफ ऑन सेल ओनली एक्सेसुड इज लेविट बट वेट इज नोट लेवेट तो ऐसे केस में सैनोट क्रेडिट मिलेगा पर वेट क्रेडिट नहीं मिलेगा क्लियर यह हो गया केस नंबर वन केस नंबर टू टू

नहीं मिलेगा क्लियर आप इसका भी क्लिक कर लो फिर यहां से हम कहानी नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे भारत माता की जय करके क्लियर डन आई होप यू फंडामेंटल बच्चों आपसे रिक्वेस्ट क्या है सर अभी बुक से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है ठीक है जो मैंने आपको याद दिया है पहले वो पढ़िए अभी हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं बुक से जब पढ़ना होगा आपको बुक दे देंगे और आपको बता दूंगा कहां से क्या पढ़ना है बेटा ओके okay? माहौल जो बहुत शानदार मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर पर यस शायद आपको समझ में आए क्या आखिर ये दस का क्रेडिट क्यों मिला ऑल दी बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर माहौल के साथ बै टेक केयर लव य लॉट